Now class 5, exercise 4B, question number 5 start करते हैं. Question number 5 में solve the following sums और इसमें decimal number को एक whole number से divide करना है. 4 is a whole number and 13.6 is a decimal number. So हमने decimal number अंदर रखा और 4 से divide करना start करते हैं. 4 3 are 12 होता है, 4 3 are 12. यहाँ पे subtract किया, 3 minus 2 किया 1, 1 minus 1 0 वो लिखा नहीं जाता. यहाँ से नीचे उतार लिया 6 को, 4 4 are 16, subtract किया, final 0 हो गया. अब dividend के अंदर से हमने 1 decimal place ली, तो quotient को वापस कितनी decimal places करनी है, 1 ही decimal places करनी है, तो point 4 के बाद आएगा, ठीक है. So parts of the components of the dividing process लिख लें कि ये हमारा dividend है, ये dividend है, end पे भी d है, ये quotient होता है, ये remainder होता है और ये divisor होता है. So decimal point हमेशा dividend से 1 लेते हैं और वापस कर देते हैं quotient को. So next हमारा b question में 14.75 को 7 से divide करना है. 7 2s are दिखा, तो 14 पूरा का पूरा आ गया. Subtract करने से 14 minus 14 0 हो गया. अब उतारा हमने 5 को, लेकिन 5 देखा कि 7 से छोटा है, तो हमें अगला 6 भी उतारना पड़ गया, हमारी ज़रूरत थी. जब दोनों arrows इकट्ठे आते हैं तो ऊपर चला जाता है एक 0. So अब 7 का table पढ़ना है कि 56 आ जाए, तो 7 8s are 56, subtract किया 0 आ गया. अब इससे dividend से 2 decimal places हमने ली, तो quotient को 2 decimal places वापस करनी होगी, तो point यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. अब next है 21.95 को divide करने 5 से, 5 4s are 20, 21 में से 20 subtract किया 1 आ गया, यहाँ से उतार लिया हमने 9, 4 5 3s are 15, 9 minus 5 किया 4 रह गया, और आखर वाला 5 आप उतार लिया, 5 9s are 45, सबट्रैक्ट किया 0. अब यहाँ से 2 डेसिमल प्लेसेस ली हैं, तो क्वेश्चन को 2 डेसिमल प्लेसेस वापस करनी है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट 42.07 को डिवाइड 7 करना है, सो 7 6 आर 42 होता है. अब जब हमने उतारा इसको, ये तो 0 था, ये छोटा बढ़ गया, छोटा होता है 7 से, तो अगला 7 हमने उतारना था, 2 0 कम्बाइनली आए हैं तो ऊपर चला जाएगा 0. अब 7 1 इज, यहाँ पे जो 0 होता है उसको तो हम काउंट नहीं करते हैं ना, तो 7 1 इज 7 ही होगा, सबट्रैक्ट किया 0. सो यहाँ से 2 डेसिमल प्लेसेस ली, तो वापस भी हमने 2 डेसिमल प्लेसेस ही करनी थी, सो पॉइंट यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट 27.2 को 8 से डिवाइड करना है, 8 3 ज़ार 24 होता है, 7 माइनस 4 किया 3 और उतार लिया हमने 2, 8 4 आर 32, सबट्रैक्ट किया 0, यहाँ से ली 1 डेसिमल प्लेस, तो वापस कितनी करनी है, 1 ही डेसिमल प्लेस, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट सी एफ जी हमारे पार्ट्स जो हैं वो होमवर्क में हैं, ये आपने खुद करने हैं, ठीक है. और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो मेरे से पूछना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमने करना है, वर्कआउट द फॉलोइंग डिवीजन्स. इसमें हमें डिवीजन्स करनी है, और इसमें हम पहला मेथड यूज़ करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर, हम जो पेज नंबर 71 पे मेथड है, पेज नंबर 71 पे मेथड ऑफ कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शन वाला प्रोसीजर यूज़ करेंगे, ठीक है. सो 2.8 डिवाइड 0.7 करना है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं मैजिक. हमने 2.8 एज इट इज़ इसको लिखना है, जैसे क्वेश्चन गिवन था, दोनों की नीचे फ्रैक्शन देनी है. यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 1, आगे जितने डिजिट होते हैं इतने आते हैं 0. यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 1, आगे जितने डिजिट इतने आ जाते हैं 0, तो दोनों के नीचे 10 आ गए. सो अब यहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो चुका है, ठीक है. ये इसको पेन से लिख लें, पॉइंट हमने जब ख़त्म किया तो ऊपर सिंपल सिंपल 28 आ गया, पॉइंट नहीं रहा ना, 28 बाय 10 आ गया. और यहाँ पे सिंपल सिंपल 07 है, और 0 एट द स्टार्ट नेवर काउंटेड, तो 7 बाय 10 ये हो गया. अब डिवाइड के प्रोसीजर में, अब ये दोनों फ्रैक्शंस बनी हैं. फ्रैक्शंस की डिवीजन हमने चैप्टर 3 में की थी, कि जब हम 28 डिवाइड बाय 10 डिवाइड 7 बाय 10 करना होता है, तो सेकेंड स्टेप में उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है. जैसे ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, 7 बाई 10 रेसिप्रोकल बन के, यानी उलट होके 10 बाई 7 हो जाएगा. अब देखें, 10 1 इज 10, 10 1 इज 10, क्रॉस कटिंग हुई, 7 1 इज 7, 7 4 इज 28, तो 4 1 इज 4, 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 4 बाई 1 एज अ होल नंबर, ये 4 लिखा जा सकता है, ये आंसर आ गया.
ये कितना इजी मेथड है। नेक्स्ट आप 0.49 डिवाइड 0.7 इसको एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे मैजिक मेथड लगाना है, पॉइंट ख़त्म किया आगे टू डिजिट्स 100 बन गया, यहाँ पे पॉइंट ख़त्म किया वन लगाया उसके नीचे और एट डिजिट 10 बन गया। अब 49/100 ये वाली चीज़ बन गई है, एट जीरो एट द स्टार्ट नेवर काउंटेड, तो 49/100 और डिवाइड 07 है तो जीरो एट द स्टार्ट नेवर काउंटेड, तो 7/10 हो गया। जैसे ही डिवाइड का प्रोसीजर मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 7/10 10/7 बन गया। आप 7/1 इज 7 आर 49, 10/1 इज 10 10 आर 100, सो 7/1 इज 7 मल्टीप्लाई 1 लिखा, 10 मल्टीप्लाई 1 लिखा, यहाँ पे 7/1 इज 7 10/1 इज 10। और हमें पता है कि जब हम 7/10 करना है तो पॉइंट हमें पता है कि इस वक्त 7 के बाद पॉइंट मौजूद है तो वो एक डिजिट बैक साइड पे मूव होगा तो 0.7 बनेगा जिसको हम 0.7 करते हैं, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, इसको इधर लाइन बना के यहाँ पे सामने लिख लें, 7/10 किस तरह चेंज होगा कि 7 होल नंबर था इस वक्त, इसके लास्ट पे हमारा डेसिमल पॉइंट था, जब वो बैक साइड पे 1 डिजिट, क्योंकि 0 का 1 डिजिट है, 0110 आ रहा है तो वो एक डिजिट बैक साइड पे मूव होना है तो 0.7 हमारा आएगा, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट डी क्वेश्चन है 9.5 डिवाइड 1.9, सबसे पहले मैजिक मेथड लगाया, 9.5/10 हो गया, पॉइंट लग के नीचे 1 आगे 10 तो 10 आ गया, ये बन गया 95/10 डिवाइड 19/10 विदाउट पॉइंट, हमने अब उनको रीड आउट करना है, पहले 1.9 कह रहे थे अब पूरा बना के 19 बन गया, पहले 9.5 कह रहे थे अब पूरा बना के 95 बन गए। सो अब जब डिवाइड का प्रोसीजर मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो 10/19 रेसिप्रोकल बना दिया, पहले वाला कभी भी रेसिप्रोकल नहीं देता, ये भी याद रखना है, ये 95/10 है मल्टीप्लाई 10/19 होगा, 19 1 इज़ 19, 19 5 ज़ार 95, 10 1 इज़ 10, 10 1 इज़ 10। अब 5 मल्टीप्लाई 1 टॉप वाले नंबर आ गए, 1 मल्टीप्लाई 1 बॉटम वाले नंबर मल्टीप्लाई, 5 1 इज़ 5, 1 1 इज़ 1, तो 5/1 सिंपल 5 होता है। क्वेश्चन सी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्क आउट दी फॉलोइंग सम्स बाय डायरेक्ट डिवीजन मेथड, इसमें आप डायरेक्ट डिवीजन मेथड करना है, डैट इज़ सॉल्व ऑन दी पेज 72-73 पे, ये मेथड है, मेथड ऑन पेज 72-73। सो इसमें हमने डायरेक्ट डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले 9.6 डिवाइड 0.048 हमें गिवन है, उस इन दोनों को एज अ फ्रैक्शन लिखा, इन दोनों को यानी 9.6 नॉमिनेटर बन गया और 0.048 डिनोमिनेटर बन गया। फिर हमने चेक करना होता है डिनोमिनेटर में कितने डिजिट हैं, डेसिमल प्लेसेस कितनी है, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, सो हमने जिस नंबर से अब मल्टीप्लाई करना होगा नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को वो ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 जीरोज हों और वो हमारे पास 1000 होता है, सो 1000 से हमने मल्टीप्लाई भी किया नॉमिनेटर को भी और मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को भी। जब 9.6 मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 1000, इसको इधर रफ में आपको बताती हूँ, 9.6 मल्टीप्लाई 1000 करना है तो हमें पता है कि जब हमारे पास 1000 से मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो 9.6 के आगे राइट साइड पे पॉइंट ने 3 डिजिट मूव करना है, सो यहाँ पे अगले 2 डिजिट तो हैं ही नहीं, 6 इटसेल्फ था तो अगले हमने 2 डिजिट खुद से 0 बना देने हैं, सो पॉइंट किधर चला जाएगा 96, ये देखें 9600 के बाद यहाँ पे पॉइंट चला गया, ठीक है, और नीचे जो हमारा 0.048 है इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखें पॉइंट यहाँ पे 48 के आगे आ गया, 0.0048 ये इस तरह हो गया था, 0048 के बाद पॉइंट आ गया था और हमें पता है 0 एट दी स्टार्ट नेवर काउंटेड तो सिर्फ 48, और हमें ये भी पता है कि ये जो 9600 के बाद पॉइंट है ये पॉइंट आखिर वाला हम होल नंबर कंसिडर करते हैं, ठीक है, जब पॉइंट आखिर में आ जाता है ना तो उसको होल नंबर बना दिया जाता है, तो 9600 होल नंबर में आ गया और जो हमारा नेक्स्ट है 48 आ गया, ठीक है, अब पॉइंट एट द एंड हम राइट आउट नहीं करते हैं, इसको होल नंबर कंसिडर किया जाएगा, रफ में जस्ट हमने लिख लिया, सो अब 9600 को अंदर आके 48 से डिवाइड करना है तो 48 2 96, 0 और 0 दोनों नीचे लेके गए और यही दोनों 0 ऊपर भी ले जाएंगे, ये भी नीचे ये ऊपर भी आ गए तो 200 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बी क्वेश्चन में है 55.6 और ये नॉमिनेटर बना दिया और 6.95 को डिनोमिनेटर बना दिया, अब डिनोमिनेटर में देखें 2 डिजिट्स हैं 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो हमने 100 से नॉमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को भी, जब 55.6 मल्टीप्लाई 100 होगा तो पॉइंट ने 2 डिजिट्स आगे मूव करना है, सेकंड डिजिट हम खुद से 0 ले आएंगे तो ये 55 और 60 दोनों 5560 पॉइंट आखिर में आ जाएगा और ये होल नंबर बनाने के लिए 55 60 सिंपल लिख देते हैं और जो डिनोमिनेटर में
6.95 मल्टीप्लाई 100 करना है, तो यहाँ भी पॉइंट दोनों डिजिट हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, तो 695 के बाद पॉइंट आ जाएगा और साथ लास्ट वाला पॉइंट हम सिंपल ख़त्म कर देते हैं, उसको होल नंबर बना देते हैं। सो टॉप वाला नंबर हमारा 5560 आ गया और बॉटम वाला 695 आ गया, ठीक है। अब 5560 को अंदर रखे 695 से डिवाइड किया तो 8695 मल्टीप्लाई 8 किया तो 5560 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 8 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 64.2 डिवाइड 1.07 है, तो यहाँ भी देखें डिनोमिनेटर के हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो हमने 100 से नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी करना है। अब 64.2 है तो पॉइंट उससे आगे जब 2 डिजिट्स मूव करेगा तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, तो लास्ट में जब पॉइंट आएगा तो उसको होल नंबर बना देते हैं 6420, और बॉटम वाले नंबर में सिंपली जब लास्ट पे आएगा तो 107 पूरा को पूरा बन जाएगा बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह। तो 6420 को अंदर रखा, 107 से डिवाइड किया, 6642 लास्ट वाला ज़ीरो सॉल्व नहीं हो सका, सो उसको हम नीचे भी हमने रख दिया उसको और ऊपर भी ले गए, तो 60 हमारा आंसर आ गया। डी क्वेश्चन आपका होमवर्क है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 13 है, चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, इसमें हमें ये हमारा अगर नोमिनेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो हमें पता है कि डिवीजन करते हुए हमेशा नोमिनेटर अंदर रखा जाए और डिनोमिनेटर बाहर होता है, सो हमने 1 अंदर रखा और 4 से डिवाइड करना शुरू किया, लेकिन 1 तो छोटा था 4 से, पॉइंट लगा के बनाया 0, ये 10 बन गया। अब 2 4 8 या 4 2 8, 10 - 8 सब्ट्रैक्ट किया 2 रह गया, अब 2 फिर छोटा था 4 से, इसी पॉइंट से इसके साथ 0 बना के ये 20 बना दिया, 4 5 20, ठीक है, ज़ीरो आ गया। तो अब ये जो हमारा आंसर था 0.25, इसके पीछे कोई नंबर होना चाहिए था ना, वो हम ज़ीरो ले आते हैं, तो 0.25 हमारा आंसर आया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 2/5, 2 अंदर रख के 5 से डिवाइड किया, 2 छोटा था 5 से, पॉइंट लगा के 0 बना के 20 बना दिया, अब ये पूरा नंबर 20 है, 5 4 20, और कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, माइनस करने से 0 आ गया, और ये 0.4 है, इसको 0.4 लिखेंगे। नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसमें 50 हमारा डिनोमिनेटर है, उसको बाय रखा और नॉमिनेटर 3 था उसको अंदर रखा, अब देखिए 3 छोटा है, पॉइंट लगा के बनाया 0, लेकिन 30 अभी भी छोटा है, तो अगला 0 लाने के लिए ऊपर भी एक 0 देना पड़ता है, ये 300 बन गया और 56300 होता है, सो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। सो अब देखें 0.06 तो हम कभी भी आंसर नहीं लिखेंगे कि, तो हमने 0.06 आंसर लिखना है, कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट 7/8 करना है, देखें पॉइंट से लगाया 0, 70 बन गया, ठीक है। अब 8 8 क्या होता है 64, अब 7 को कट करके 6 बनाया, यहाँ पे 10 बना दिया, 10 - 4 किया 6 रह गया, 6 - 6 0 होता है। अब इसी पॉइंट से 0 बनाएंगे और ये हमारे पास 60 बन गया, 8 7 हमारे पास होता है 56। अब फिर हमने यहाँ पे इसको 5 बनाया, 10 बनाया, 10 - 6 किया 4 आ गया, 5 - 5 0 नहीं लिखना हमने उसको। अब इसी पॉइंट से हमने 0 बनाया, ये बन गया 40, 8 5 क्या होता है हमारे पास 40, ठीक है। अब कम्प्लीटली डिवीजन हो चुकी है, अब जो आंसर हमने लिखना होता है वो हमें पता है, वो 0.875 करके लिखना है, कि इसके पॉइंट के पीछे कोई डिजिट होना चाहिए था, वो हम 0 खुद से लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डी और एफ पार्ट आपके होमवर्क में है, सो आपने ये सारा काम करना है, होमवर्क और क्लास वर्क, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से पूछना आपने।